हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार चटपटी और बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्जी की रेसिपी, जो कि आजकल सीजनल है। तो आजकल टमाटर के प्राइस 100 रुपए पर केजी से ऊपर पहुंच गए हैं और हम में से हर कोई इतने महंगे टमाटर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस अरबी की सब्जी को मैं बिना टमाटर के एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊंगी, जिससे इस सब्जी का टेस्ट टमाटर वाली सब्जी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिना टमाटर वाली मॉनसून स्पेशल इस टेस्टी और मसालेदार ग्रेवी वाली अरबी की इस सब्जी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम अरबी ली है। तो इनमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं पहले। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा पानी डालकर इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें एक सीटी आने तक कुक करूँगी। तो एक सीटी में ही अरबी अच्छे से कुक हो जाती है। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अरबी को यहाँ पर ठंडा होने देंगे। तो जब प्रेशर कुकर का प्रेशर यहाँ पर रिलीज हो गया है, तो तब मैं ढक्कन खोल लूँगी और अरबी को चेक कर लूँगी। तो इसे चेक करने के लिए एक चाकू को डाल कर देखेंगे। तो अरबी यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी है। तो तुरंत ही मैंने यहाँ पर इस अरबी को इस स्ट्रेनर में निकाल दिया है, ताकि अरबी ओवर कुक ना हो। तो जब तक ये अरबी ठंडी हो रही है, तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। इस मिक्सिंग बोल में मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये आधा कप घर का फ्रेश दही। तो हमारा यहाँ पर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो मसालों में मैंने इसमें ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, और एक चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी सब्जी मसाला। इससे हर सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बिना भी इस सब्जी को बना सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पर विस्कर से इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। दही यहाँ पर हमारा टमाटर का काम करेगा, क्योंकि इसमें टमाटर की तरह खट्टापन भी होता है। और टमाटर की तरह लाल रंग लाने के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ मैंने किया है। तो इस दही के पेस्ट को आप टमाटर की जगह किसी भी सब्जी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अरबी की तरफ। तो अरबी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर इसके छिलके निकाल लूँगी। तो बिल्कुल भी यहाँ पर अरबी ओवर कुक नहीं हुई है, तो बहुत ही अच्छी हमारी अरबी की सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सभी अरबी को छील लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसे पीसेस में कट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे गोलाई में कट कर रही हूँ। तो वीडियो को मैं यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा फास्ट मोशन में भी कर रही हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर मैंने सभी अरबी को इस तरीके से गोलाई में कट कर लिया है। आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हो। कढ़ाही में मैंने 2 टेबल स्पून या 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। तो इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ साबुत मसाले। तो ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 5 है काली मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून अजवाइन। साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 1 पिंच हींग, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर कुछ सेकंड तक। इन्हें रोस्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए प्याज को भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, साथ ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन दोनों को एक साथ 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो इस पेस्ट की जगह आप साबुत लहसुन और अदरक का यूज भी कर सकते हो बारीक कट करके। तो दही के पेस्ट को डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे डालेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे।
और अच्छे से यहाँ पर इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट को भूनना है। तो दही का कच्चापन हमें यहाँ पर खत्म करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है लो फ्लेम पर इसे, और आप देख सकते हो कि दही और मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और इनसे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अच्छे से इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो बोल में जो दही का पेस्ट लगा था उसी से मैंने यहाँ पर इसमें ये आधा कप पानी ऐड किया है। तो पानी मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो यहाँ पर इस सब्जी को मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पर जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि पहले डालने से दही फट सकती थी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी कटी हुई ये सारी अरबी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। अगर आप इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाना चाहते हो तो पानी का यूज ना करें या बहुत कम करें। तो अरबी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट तक कुक करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अब ढक्कन खोल लिया है तो अरबी को चेक कर लेंगे, क्योंकि अरबी को हमने बॉईल किया था इसीलिए इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। फिर भी एक बार हम अरबी को चेक कर लेंगे। तो अरबी के एक पीस को स्पून से दबाकर देखेंगे तो परफेक्टली ये यहाँ पर कुक हुई है। ना तो अरबी कच्ची है और ना ही ओवर कुक हुई है। तो परफेक्ट मसालेदार अरबी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहो तो लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने साबुत मसालों का यूज स्टार्टिंग में कर लिया है। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी ये अरबी की सब्जी अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, हमारी अरबी की ये सब्जी दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, यकीन मानिए खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। आप इसे चपाती, पराठे या फिर चावल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इस बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटी बिना टमाटर वाली अरबी की इस दही वाली सब्जी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।